हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजन यूनिट 4 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछले वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था लिमिटेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में भी ओवरलोडिंग विद ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, दिस डेंजर इज इनहेरेंट इन द सिस्टम्स, बट विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस बाय मैनेजमेंट एज टू द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम्स एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एक्सेट्रा, ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉलो इन। हमने पिछले वीडियो के अंदर लिमिटेशंस पढ़ी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की, तो उसके अंदर बोला गया था कि ओवरलोडिंग हो जाती है इन्फॉर्मेशन की। हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है जिसकी हमें नीड नहीं होती है, बट मैनेजमेंट ने ये एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हुई है जो हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अंदर से जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है हम उसी को फॉलो करेंगे, बाकी की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है तो हम उसको साइड कर देंगे। जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम अलग से निकालेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी रिपोर्ट को तैयार करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्यों इंपॉर्टेंट रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एथिक्स? एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स मीन्स सिद्धांत, कि एक इंसान के, एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या सिद्धांत हैं, रूल्स रेगुलेशन हम उनको बोल सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट भी हम बोल सकते हैं, कई नामों से हम इनको बुला सकते हैं। अब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स को फॉलो करती है तो क्या होगा? जैसे मैं अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती हूँ तो क्या होगा कि दूसरे इंसान मुझ पे ट्रस्ट करेंगे कि भाई ये जो इंसान है, ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, वो अपने एथिक्स, अपने सिद्धांत पे कायम है, अपने एथिक्स के बाहर कोई भी काम नहीं करती है, तो आपके ऊपर उसका ट्रस्ट बना रहेगा। मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी आर एसेंशियल फॉर द सक्सेस एंड एथिक्स इज अ की फैक्टर इन द अचीविंग दिस। ट्रस्ट इज अ क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप एंड इट्स अब्सेंस कैन बी अफेक्ट डिसीजन मेकिंग। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल सकती है, चाहे वो बिजनेस के अंदर कोई रिलेशनशिप है, चाहे लाइफ पार्टनर है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे मतलब कोई भी है। अगर आपको अपने, फॉर एग्जाम्पल आप मदर फादर हैं, अगर आपको अपने बच्चे पे ट्रस्ट ही नहीं है तो दूसरा कोई क्यों करेगा? एक बात समझ रहे हो? मेरे को एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर अभी कोई बच्चा मास्टर्स कर रहा है तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए या क्या चीज़ उसके लिए बेस्ट रहती है, समझ रहे हो? अब क्या होता है कि कई बंदे ऐसे होते हैं, कई लड़कियां, कई लड़के ऐसे होते हैं कि अभी मास्टर्स कर ली तो अपनी गृहस्थी में घुस जाते हैं। जो अपनी, जैसे उन्होंने मास्टर्स की, लड़कियाँ हैं जैसे उन्होंने मास्टर की और शादी कर ली, तो उस मास्टर्स का, उस ग्रेजुएशन का क्या बेनिफिट? अगर आप उसके लिए कुछ फ्यूचर में आपका कोई प्लान है ही नहीं कि आपको मास्टर्स करके करके शादी करनी है, तो उस मास्टर्स का क्या बेनिफिट? कोई भी बेनिफिट नहीं उस मास्टर्स का। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर गोल होना चाहिए, हमेशा अपना गोल होना चाहिए कि आपको फ्यूचर के अंदर क्या करना है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपका फ्यूचर गोल होना चाहिए कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। देखो हम सोच सकते हैं, हम कर सकते हैं, हमें जितनी मेहनत हमें हमसे की जा सकती है हम उतनी कर सकते हैं, बट देना ना देना, मिलना ना मिलना, वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। हमारा काम क्या है? कर्म करना और फल की चिंता नहीं करना। फल अगर हम पहले ये सोचेंगे कि फॉर एग्जांपल अभी आप सीए कर रहे हैं, पहले हमने सोच लिया कि हो ही नहीं सकता, मैं तो क्लियर कर ही नहीं सकता या मैं तो क्लियर कर ही नहीं सकती, तो होगी कैसे? फॉर एग्जांपल आपसे नहीं, आपने स्टार्ट की सीए, आपसे नहीं हुई, बट आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि हाँ नई नई चीज़ें, नई नई बातें, नई नई बुक्स आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो आप उससे भी कुछ ना कुछ लर्न करेंगे। हो सकता है आपकी किस्मत में नहीं हो, आपकी सीए ना हो, बट आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो सीखने के लिए कई काम भी करने चाहिए। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा बड़ा लेक्चर मैं आपको नहीं दूंगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है
और इसका एक की जो हम चाबी बोलते हैं वो चाबी क्या है, एथिक्स। अगर आप एथिक्स को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपकी अच्छी रिलेशनशिप रहेगी बिजनेस के साथ। एंश्योरिंग कॉम्प्लेक्स विद द रेगुलेशंस एंड लॉज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलाइज हैवली ऑन एथिक्स विच इन्वॉल्व्स एडहेरेंस टू रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस गवर्निंग टू द प्रोफेशंस। कॉम्प्लेक्स विद द अकाउंटिंग फाइनेंस स्टैंडर्ड इज क्रिटिकल फॉर द मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड एंड रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ द मिसकंडक्ट। एंश्योर करना कि जो भी आप काम कर रहे हो वो लॉज के अकॉर्डिंगली हो, लॉ के अकॉर्डिंगली आप काम करें। फाइनेंस स्टैंडर्ड आपका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, मेंटेन करना एक एक्यूरेट रिकॉर्ड एंड रिड्यूस करना लाइकली ऑफ मिसकंडक्ट जो हमारा होता है ना, जैसे कि मतलब किसी ने क्या किया रिकॉर्ड्स के साथ अदल बदल कर दी, कि कोई रिकॉर्ड्स थे वो गलत कर दिए, तो वो रिकॉर्ड्स को एक्यूरेट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और एथिक्स के अंदर वो एक फॉलो करना और लॉज के अकॉर्डिंगली काम करना ही बताया जाता है, इसीलिए वो एथिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, एन इफेक्टिव वे टू टीच रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग टू स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग मॉडल एंड ब्रेक डाउन द स्टेप्स इंटू द ग्रेटर डिटेल। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग को स्टूडेंट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक इफेक्टिव वे के अंदर, जिसके अंदर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग मॉडल को बताएंगे और ब्रेक डाउन करेंगे सारे स्टेप्स को डिटेल के अंदर। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग कंपनी रेपुटेशंस इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिजनेस एथिक्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द प्रोटेक्टिंग अ कंपनी रेपुटेशंस। इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स दैट इज इजली डैमेज्ड बाय अनएथिकल प्रैक्टिसेस। रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है एथिक्स, किस तरीके से? अगर आप एथिक्स को फॉलो करते हो, अपने सिद्धांत को फॉलो करते हो, तो क्या होगा, जैसे आपने एक शो देखा है, जैसे ये नहीं बोलते कि जबान की वैल्यू होती है, तो वो एथिक्स ही होते हैं कि भाई मेरी जबान अगर मैंने दे दी तो मैं उस चीज़ से मुकरूंगा नहीं। अभी आप किसी शॉप पे गए, आपने कुछ चीज़ परचेज की, उस बंदे ने बोला कि अगर ये चीज़ ख़राब हो जाती है मैं गारंटी देता हूँ मैं आपको दोबारा चेंज करके दूंगा या रिपेयर करके दूंगा, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल वो चीज़ ख़राब हो गई और आप वहाँ गए और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करके दूंगा, तो आपकी रेपुटेशन एकदम डाउन। वो इंसान चार इंसान को बताएगा, चार अपने रिलेटिव्स को बताएगा और चार अपने फ्रेंड्स को बताएगा कि वो जो शॉप है वहाँ मत जाना, वहाँ के जो बोलते हैं वो नहीं करके दिखाते हैं। तो रेपुटेशन क्या हो गई? डाउन हो गई, डैमेज हो गई। देन क्या होगा, अगर आप अपने एथिक्स को फॉलो करते हो और वो इंसान आपके पास आया, उसने बोला कि सर आपकी ये मैं लेके गया था और ये ख़राब हो गई, तो क्या होगा, उसने बदल के दे दिया या उसको रिपेयर करके दे दिया, तो आपके मन में ये आएगा कि बहुत अच्छा इंसान है, अपनी जबान पे बिल्कुल खरा है, अपनी बात पे रहा है, उसने जो बोला था उसने वो कर दिया। तो आप चार बंदों को बताएंगे, चार दूसरे को बताएंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, अपने रिलेटिव्स को बताएंगे, तो उस तरीके से आपकी जो रेपुटेशन है वो बनी रहेगी। तो एथिक्स आपकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंसली। कॉन्फिडेंसली इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एथिक्स इन ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द कोड ऑफ एथिक्स फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियल एंड स्टेटिंग दैट अकाउंट्स कैन नॉट बी यूज इन डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग अ प्रोफेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इवन आफ्टर द बिजनेस आर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हैज़ एंडेड। कॉन्फिडेंशियल ली चीज़ें रहती हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी इंसान के साथ बिजनेस में हैं और हमारी कुछ उससे भाई तू तू मैं हो गई, झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, तो हम उससे अलग हो गए, तो वो एथिक्स जो आपके होते हैं आप उनको फॉलो करते हुए आप नहीं बताओगे मीडिया के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर कि हम क्यों अलग हुए। आप बोल दोगे कि भाई हम हो गए, हमारी मर्जी थी, हम लोगों का अलग होना था तो हम हो गए। लेकिन कई जगह मतलब आपने कई लोग देखे होंगे कि दूसरे इंसान को बदनाम करने के लिए तैयार रहते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते हैं, तो वो चीज़ गलत होती है। जब आप एथिक्स को फॉलो करते हो तो आप ऐसा नहीं करते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा टॉपिक है एथिकल चैलेंजेस इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या एथिकल चैलेंजेस आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर? फ्रॉड एंड टैक्स इविजन। फ्रॉड हो सकता है, टैक्स की चोरी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, प्रिज्योर टू मीट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को नहीं मीट कर पाते हो, कॉन्फिडेंशियल ब्रीच आ सकते हैं, ओवरटेकिंग एंड परफॉर्मेंस एंड वैल्यूएशंस एंड प्रिपेटिंग इन फ्रॉड अल्ट एक्टिविटी, नॉन कॉम्प्लेक्स विद द लॉज एंड रेगुलेशन, आप कॉम्प्लेक्स नहीं हैं,
एंड लॉज एंड रेगुलेशन आप फॉलो नहीं करते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फेलियर टू डिस्क्लोज रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, आप फेल हो गए हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपने रिलेवेंट मानी थी, मतलब बहुत सी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, तो आप फेल हो गए हैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने में। आप सही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर पाए, सही इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवा पाए। आज के हमारे जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।